हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग ज्योग्राफी की इस टू दी पॉइंट सीरीज में ये बात करने जा रहे हैं कि कम से कम इतनी बातें तो आपको पता ही नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग इस सीरीज को नहीं देख रहे हैं, जान लो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोगों की पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री के अलावा संविधान में ज़्यादातर लोगों की पकड़ अच्छी होती ही है। और संविधान के अलावा, वैसे मैं संविधान की पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करा दिया हूं, हिंदी और बायोलॉजी ये भी एकदम खत्म हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है जियोग्राफी में भी अपने आप को मजबूत कर लो। इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया था कि टू दी पॉइंट आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए। और बता दूं कि जो सीरीज आप देख रहे हो, ये मैंने खुद इसको जो है टाइप करा के मेटेरियल ओके कराया हूं, क्योंकि यही सारे मेटेरियल को आगे मैं बुक में डालने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखिएगा और बताइएगा, मतलब कम से कम शब्दों में हम कितनी अच्छी बात कर सकते हैं। ज्वालामुखी के बारे में आप किताबों में उठा के पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें मिलेंगी, बट मैं आपसे कहता हूं कि टू दी पॉइंट केवल इतनी बात अगर आपने पढ़ रखी है, इतना बात अगर आपको याद है, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा, जो लोग नहीं पढ़े हैं भाई प्लेलिस्ट में चले जाओ, टू दी पॉइंट के नाम से एक सीरीज होगा, उसको आप लोग देख के पढ़िए। तो ज्वालामुखी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। अच्छा, लोगों की डिमांड थी कि प्लीज़ सर आप जियोग्राफी को मैप के थ्रू भी पढ़ाइए, तो इस वीडियो में मैंने मैप को भी इंक्लूड किया। आगे और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाऊँ, अगर आप लोग कुछ डिमांड करते हो कि सर इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो मैं वो भी अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं मैप के थ्रू भी आपको जो है सारा लोकेशन क्लियर करा दूंगा। आइए स्टार्ट करते ज्वालामुखी के बारे में। करा ज्वालामुखी क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जान लो। तो ज्वाला मुखी भूपटल पर, भूपटल मतलब हमारे पृथ्वी की सतह पर, भूपटल माने जो ये भूमि है, जो ये सतह है, जो धरातल है, जो ये स्थलखंड है, जो ये भूखंड है, कुछ भी बोलो। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद होता है, कोई आदमी नहीं करता उसको। वह कैसा छिद्र है, वो प्राकृतिक है, मतलब उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। कोई प्राकृतिक छेद है या कोई प्राकृतिक दरार है। दरार में समझो, छिद्र माने गोल होगा छिद्र, और दरार माने जो फटी उटी दरारें होती है। तो कह रहा है कि जो प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, पिघले पदार्थ को लावा नहीं दोस्तों, पिघले पदार्थ को बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। तो पृथ्वी का पिघला पदार्थ यानी लावा या मैग्मा, और या तो राख भाप, उसके साथ अन्य गैसें, कंकड़ पत्थर धूल, ठीक है, और बहुत सारे खनिज, ये सब जो है बाहर निकलते हैं। तो ये प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर आता है ना, बहुत कुछ यहाँ से बाहर आता है। अगर आप पूछना चाहोगे सर बताइए क्या क्या बाहर आता है, तो उंगली पे नोट करो मैं बोल रहा हूँ। देखो, मैग्मा नंबर वन, लावा उसी को बोलोगे नंबर दो मान लो, जल वाष्प नंबर तीन मान लो, तमाम मिश्रित गैसें चार मान लो, राख आएगा पाँच मान लो, कंकड़ पत्थर आएंगे छः सात मान लो, ठीक है, छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण आएंगे ये भी आएंगे, भाप आएगी अंदर से, जो पृथ्वी के अंदर का जो खनिज है वो भी बाहर आएगा। तो कितने सारे हो गए, 8, 9, 10 तो मैंने बता दिया आपको ना। तो ये सारे पदार्थ पृथ्वी के अंदर से इस दरार या क्षेत्र के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर आते हैं, इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं इसी को? ज्वालामुखी। इंग्लिश में पूछोगे सर क्या बोलते हैं, तो मैं कहूंगा वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनो। मूवी है वोल्केनो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, बहुत जबरदस्त मूवी, हॉलीवुड की मूवी है वोल्केनो, उसका नाम है, बहुत बेहतरीन मूवी है। उस मूवी को देखने के बाद इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, जो बाहर निकलता है लावा, वो लावा जो मैग्मा निकलता है, वो शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। उस छोटे छोटे टुकड़े को सीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडर। क्योंकि जैसे अगर यहाँ से फट रहा है, यहाँ से निकल रहा है लावा, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जहाँ गिरेगा वहीं लावा बनता जाएगा। तो उस छोटे छोटे टुकड़ों को सीडर कहा जाता है, सीडर। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत, वाष्प मतलब जल वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, ये सभी को पता है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। और तीनों को देखते हैं। पहला बोला सक्रिय ज्वालामुखी। मैं आपको क्या बोला, मैंने कहा टू दी पॉइंट एकदम पढ़ाऊंगा, कम से कम शब्दों में आपको पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा। तो डेली इस तरह से हम लोग एक चैप्टर को कवर करेंगे। आज ज्वालामुखी कवर कर रहे हैं और कल हम लोग पढ़ने वाले भूकंप के बारे में। तो कम से कम शब्दों में मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, बट इतने डीप में कुछ नहीं मिलेगा वहां पर।
मिलेगा, बट बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आगे है सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखो सक्रिय शब्द जो लग गया इससे आपको क्या पता चलता है, सक्रिय माने एक्टिव, यानी जो ज्वालामुखी एक्टिव है जिसमें समय समय पर क्या हो सकता है उसमें ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी। करा इसमें अक्सर उद्गार होता, टाइम तो नहीं बताएगा ना, लेकिन हाँ अक्सर उद्गार होता रहता है वर्तमान समय में। अगर आज के समय में बात करें तो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 या 500 से भी अधिक मानी जाती है। कितना? 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से हैं, तो मैं कहूँगा इटली का एटना। अब आप कहोगे सर ये बातें तो किताब में भी लिखा है, तो मैं आपको समझा रहे हैं, रुको एक मिनट रुको, समय दो थोड़ा सा। तो इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं, इटली का एटना हो गया, इटली में ही दोस्तों स्ट्रामबोली हो गया, मैक्सिको में स्थित कोलिमा हो गया, ये जो ज्वालामुखी हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों में 40-50 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। क्या आप जानना चाहोगे इटली कहाँ पड़ता है और इटली में ये एटना और स्ट्रामबोली कहाँ पड़ता है? इसके अलावा मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लेकिन मैक्सिको में ये जो कोलिमा है ये कहाँ पड़ता है? तो आइए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये रहा मैप आपके सामने, ये जो आप मैप देख रहे हो इधर आपको ये दिख रहा हो, ये आपका एड्रियाटिक सी है, ये इधर वाला पूरा पोर्शन आप देखोगे अगर एक साथ एक पूरा वाला, तो ये भूमध्य सागर पड़ता है, ठीक है। और ये आपका इटली है, ये क्या है आपका? इटली है। इस इटली में जब आप नीचे की साइड आओगे दोस्तों, ये देखो नीचे साइड आओगे तो यहाँ आपको एटना मिलेगा, एटना ये अलग से है, एटना तो ये माउंट एटना है, ये इसी के पास में एक द्वीप है दोस्तों लिपारी द्वीप, कभी कभी आपसे पूछता है तो भूमध्य सागर में ही पड़ता है लिपारी द्वीप, तो याद रखिए जो माउंट एटना यहाँ पर इसका लोकेशन है, यहीं पर स्ट्रामबोली भी है, माउंट एटना, स्ट्रामबोली, विसुवियस, ये सब यहीं पे है। तो विसुवियस तो जो है प्रसुप्त में आता है, बाकी स्ट्रामबोली और एटना ये दोनों जो हैं ये दोनों एक्टिव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दोनों एक्टिव माने जाते हैं। आगे भी दिखा देता हूँ इमेज, ये देखो अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो अब आपको समझना हो कि सर कहाँ पर है, तो ये जो देखो क्रास क्रास बना है ना, ये सब जो है पेटियाँ हैं, इन पेटियों पर सबसे ज़्यादा जो है या तो ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं या तो भूकंप के होते हैं। तो उसी पेटी में से ये वाला लोकेशन देख रहे हो, ये अफ्रीका के ठीक ऊपर, ठीक है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट है एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है, इसी के बीच में दोस्तों वो लिपारी वाली जगह है। चलो आगे और आपको क्लियर करता हूँ, ये देखो ज्वालामुखी फटता है तो इसके अंदर से कैसे छोटे छोटे पदार्थ निकलते हैं जो सीडर कहे जाते हैं, और ये देखो जलवाष्प क्या होता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये ज्वालामुखी का फिगर आप देख लीजिए। इसके अलावा अच्छा इसको आपने समझा, इस वाले को समझा मैप को, तो ये वाला मैप आपको क्या बता रहा है, इसको याद रखिएगा मैप को, ये इटली है, इटली के ठीक नीचे जो सबसे आखिरी पोर्शन है यहीं पर लिपारी द्वीप पर ये स्ट्रामबोली और एटना है। तो आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा ये आपने देख लिया, इसके अलावा अभी अच्छा आपको दिखाना था अभी मैक्सिको का ना, तो मैक्सिको का भी देख लीजिए, ये देखिए ये मैक्सिको का है, ये कोने में आप मैप देखिए मैक्सिको, ऊपर की तरफ देखोगे कनाडा है, इधर आपका यूएसए है और बीच में पड़ता है आपका मैक्सिको। उस मैक्सिको में आप देखें यहाँ पर है कोलिमा, ये देख रहे हैं ये लोकेशन, ये आपका कोलिमा, कोलिमा वोल्केनो ही पड़ता है मैक्सिको में, इधर आपकी इस साइड देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी है, देखो ये वाला पोर्शन है ये मैक्सिको की खाड़ी है, दिखा दे रहा हूँ आपको क्लियर इमेज में, शायद मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है एकदम। मैक्सिको यहाँ पर देखिए कोलिमा है, यहाँ पर देखिए कोलिमा है, कोलिमा वोल्केनो वहाँ लिख रहा है, ये आप इस तरफ से देखोगे अमेरिका के बगल में तो यहाँ पर कैरिबियन सागर है, कौन सा है? कैरिबियन सागर है, कैरिबियन कंट्री भी ढेर सारे हैं यहाँ पर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे वेस्ट इंडीज़ मिल जाएगा, क्यूबा मिल जाएगा, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे। और ये जो है आपका ये मैक्सिको देश पड़ता है, मैक्सिको की राजधानी भी मैक्सिको सिटी है, वहाँ की मुद्रा का नाम पेसो है, पता होगा आपको सभी, और कोलिमा वोल्केनो यहाँ पर है। तो आओ अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, आज ये रहा टॉपिक हमारा, आगे देखते हैं। तो ये छोटी सी बात रही आपके किसके बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, कोलिमा। आगे स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी था दोस्तों, ये सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है, कौन सा? जो स्ट्रामबोली है सिसली के उत्तर दिशा में लिपारी द्वीप है, वहीं पर अवस्थित है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि लिपारी द्वीप है कहाँ पे, तो इटली के नीचे सिसली और सिसली के उत्तर में लिपारी पड़ता है। स्पेशली अगर लोकेशन की बात करेगा तो भूमध्य सागर वहाँ पर है, उसी भूमध्य सागर में पड़ता है। इसमें सदा जो है प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, इसी वजह से इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है, और इसी कारण इस ज्वालामुखी को, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। हमेशा हमेशा वहां थोड़ा बहुत निकलता रहता है 24 घंटे, तो ऐसे में इसको क्या माना जाता है? उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। देखो हमने आपसे कहा कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी में और बातें नहीं, और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन टू दी पॉइंट में इतनी बात आपको याद रखना, एकदम रटी होनी चाहिए। आगे है प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है,
करा जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, तो उसको बोला जाता है प्रसूत। प्रसूत मतलब वो अभी सोया है लेकिन जाग सकता है, मरा नहीं है, वो अभी सोया है जाग सकता है। तो विसुवियस जो था अभी आपको दिखाया था भूमध्य सागर में भी पड़ता है विसुवियस, वो जो है आपका वो प्रसूत ज्वालामुखी है। इसके अलावा क्राकाटोआ ये सुंडा जल दमनुमध के पास पड़ता है, ठीक है। अब आप कहोगे सुंडा कहाँ पड़ता है, तो जावा सुमात्रा का नाम सुना है ना, उसके बीच में है ये सुंडा जल डमनुमध, वहीं पर है काकाट्रोआ। अभी दिखा देता हूँ आपको फ्यूजीयामा जापान में और मेयन जो है फिलीपींस में, ये सब जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो आओ लगे हाथ देख भी लेते हैं। ये देखो अगर आप पूछोगे सर विसुवियस कहाँ पर, तो विसुवियस देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अलग से है, ठीक है। विसुवियस याद रखिएगा जो सिसली था और लिपारी, सिसली पे लिपारी था, लिपारी द्वीप पर सिसली था, सॉरी सिसली कर रहा हूँ बार बार वही निकल रहा है, स्टाम्बोली और एटना, ये दोनों क्या थे आपके, ये दोनों जो हैं ये जागृत ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विसुवियस जो है ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। और आगे अच्छा ये भी आपका जागृत वाला हो गया, कोलिमा मैक्सिको में पूछता है, जितने बार ज़्यादा बार पढ़ोगे। और ये वाला रहा फिगर आपका, तो ये मृत ज्वालामुखी, तो मृत ज्वालामुखी देखो अभी उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। यहाँ बहुत ध्यान से देखो एक गाड़ी भी चढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है, लोग यहाँ जाते हैं अभी घूमने टहलने के लिए, तो अभी निकट में इधर भी उद्गार नहीं हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है कि माउंट विसुवियस का अगर खाली लोकेशन आपसे पूछे तो ये मेडिटेरियन सी है, इधर एड्रेटिक सी है, और ये आपका माउंट विसुवियस है, ठीक है, ये इटली है, इटली देश है, ओके इटली। चलिए आगे देखते हैं, और जो आपको सुंडा के पास दिखा रहा था क्राकाटोआ, तो क्राकाटोआ ये ठीक दोनों के बीच में है, ये आपका पूरा इंडोनेशिया द्वीप समूह है, एक तरफ आपका सुमात्रा है, नीचे की तरफ आपका जावा है, सुमात्रा और जावा इनके ठीक बीच में ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, तो ये भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके आप पूरब साइड में जाओगे इसको जावा सी बोलते हैं, नीचे आपका हिंद महासागर इंडियन ओशियन है, ये आपको पता होगा। और आगे जापान में जो बता रहा था माउंट फ्यूजीयामा, ठीक है, फ्यूजीयामा भी क्या है प्रसुप्त ज्वालामुखी, कभी भी उद्गार हो सकता है। तो अगर लोकेशन वाइज बात करेंगे तो देखिए इधर आपका क्या है, इधर जापान सागर है, जापान का सागर है, और इधर जो है आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और इसी पे देखिए ये ठीक बीच में माउंट फ्यूजीयामा है, ठीक है, इसको आप लोकेशन याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मेयन बोल रहा था, मेयन, ठीक है, तो मेयन जो है ये फिलीपींस में पड़ता है, ये पूरा मैप आप जो देख रहे हो फिलीपींस का है, फिलीपींस के पूर्वी साइड में फिलीपींस सी है और पश्चिमी साइड में साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर जो कि सबसे बड़ा सागर माना जाता है, सागर महासागर नहीं सबसे बड़ा सागर माना जाता है साउथ चाइना सी को, ओके, तो यहाँ पर है और ये मेयान यहाँ पर है, ओके मेयान, तो ये सब याद रखिए, देखो ये सब याद रखने की विषय है। और इसी तरह से अगर मैपिंग आप करके चलोगे, समझ के चलोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा आपको मैपिंग के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ ताकि कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें जान सको। तभी आप मैप आपको याद हो गया, विसुवियस मैंने दिखाया आपको भूमध्य सागर में इटली के पास में, ठीक है, और क्राकाटोआ दिखाया आपको इंडोनेशिया के पास में, जहाँ जावा सुमात्रा के ठीक बीच में सुंडा जल डमनुमध है, और तीसरा दिखाया फ्यूजीयामा आपका जापान के ठीक बीच में हो गया, और तीसरा चौथा दिखाया मेयन फिलीपींस में हो गया, ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसके अलावा दोस्तों शांत ज्वालामुखी क्या होता है, तो कह रहा है वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, मतलब वो मृत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, अब उसमें उद्गार होने का चांस भी नहीं है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कोह सुल्तान एवं देवबंद, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये ईरान में पड़ता है, कोह सुल्तान एवं देवबंद। इसके अलावा पोपा एक है दोस्तों म्यांमार में, म्यांमार से याद आएगा दोस्तों भारत में भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, बताइए उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों बैरन, बैरन द्वीप और नारकोंडन द्वीप, इन दोनों जगह पे है, जिसमें से अगर हम बैरन की बात करेंगे तो बैरन में आपको जागृत वाले मिल जाएंगे और नारकोंडन में आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ वहाँ पे सुप्त ज्वालामुखी भी देखने को मिल जाएंगे, सुप्त मतलब मृत वाले, शांत वाले। तो तीनों तरह के ज्वालामुखी आपको भारत के बैरन और नारकोंडम द्वीप, ये दो हैं, इसको याद रखेगा, यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी पोपा जो है ये म्यांमार में है, किलिमंजारो ये अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका की सबसे ऊँचा पर्वत भी है किलिमंजारो, तो किलिमंजारो याद रखेगा। बाकी चिम्ब्रांजो ये दक्षिणी अमेरिका का है, तो इन सभी का नाम भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक वीडियो मैं बनाया भी हूँ जिसमें भारत विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं जागृत शांत सुसुप्त, उन सभी को मैं पढ़ाया हूँ, सभी के बारे में बताया हूँ आपको, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए ना,
क्यों, क्या दिक्कत करते हैं? तो परेशान मत हो, उसको देख लीजिए। आज मैं क्या करूँगा ना, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जब इसको प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा तो इसी के ठीक नीचे उन दोनों को भी ला के ऐड कर दूँगा, ताकि जिनको देखना है वो डिटेल में भी देख सकें। उसको भी मैपिंग के थ्रू पढ़ाया हूँ, लेकिन उसको हाथ से मैप बना के पढ़ाया हूँ, तो एक बार आप देखिएगा उसको। आगे कह रहा है, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ठीक है, इसी को अग्निमेखला भी बोलते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है। अग्निवलय क्योंकि इसका जो पेटी है ना, इस पेटी पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र मिलते हैं। आगे है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया के महाद्वीपीय तटों पर स्थित है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, वोल्केनो हैं, वो या तो अमेरिका के या तो एशिया के महाद्वीपीय तटों पर स्थित हैं। आगे है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिला है। आगे है दोस्तों, गेसर क्या होता है? छोटी सी बात है। कह रहा है, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। ठीक है, इसे ही गेसर कहा जाता है। जो सुराख दरार होते हैं ना, उसमें से भाई प्रेशर बनता है, तो उस प्रेशर से क्या होते हैं कि कुछ जलवाष्प क्या होते हैं, खूब ज्यादा ऊंचाई तक खूब निकलने लगते हैं, उसी को बोलते हैं गेसर। उसी को क्या बोलता है? गेसर। तो इस तरह के गेसर दोस्तों यूएसए में भी देखने को मिले हैं। वहाँ पर एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है वहाँ का, येलो स्टोन पार्क, उसमें है। तो उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेसर। वहाँ से गर्म पानी निकलता है, इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। आगे है दोस्तों, धुआरे क्या कहलाते हैं? तो ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं धुआरे। इनमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। गंधकयुक्त धुआरे को सोल्फ तारा कहा जाता है। सिर्फ तारा नहीं, सोल्फ, सोल्फ तारा कहा जाता है। तो गंधक युक्त जो धुआरे होते हैं उनको सोल्फ तारा कहा जाता है। अलास्का देखा आपने? अलास्का आपको नहीं पता होगा तो याद रखो। देखो, आप अपने दिमाग में अमेरिका का मैप सोच लो, सबसे ऊपर कनाडा है, और कनाडा के अगर आप देखोगे तो उसके आप जो है बाएं हाथ पे, बाएं हाथ कह लो या पश्चिम साइड में आप देखोगे अलास्का है। ठीक है, अलास्का, अलास्का रूस के बीच में एक जल संधि भी है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, सारी जल संधियाँ भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अलास्का पर एक पर्वत है दोस्तों, कटवाई पर्वत। वहाँ जो उसको जो है हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से हजारों ऐसे धुआरे देखने को आपको मिलेंगे जहाँ से गंधक निकलता है। ठीक है, याद रखिए। आगे है, ईरान का जो कोह सुल्तान था, जो मैंने बताया कि मृत ज्वालामुखी है, शांत है, कभी नहीं होगा यहाँ पर, वो हो गया। न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी हो गई, इसमें भी स्थित हवाई द्वीप का भी द्वारा यहाँ भी ये भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? इस तरह के धुआरों के लिए। आगे, विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत जो है वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, अगर कौन सा है ये पूछे आपसे एग्जाम में, तो कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में पड़ता है। और इक्वाडोर कहाँ पर है? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इक्वाडोर। ठीक है, इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। ठीक है, फीट में बता रहा है, मीटर नहीं। आगे है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ओजस डेल सलाडो, यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो ये सबसे ऊंचाई पर है। और ये क्या है? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पर अंतर है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत, अब ये वाला कौन सा था? आपने अभी देखा ओजस डेल सलाडो, ये जो है ये सक्रिय है सबसे ऊंचाई पर। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये भी एंडीज पर्वतमाला पर ही है, बस अंतर यह है कि ये एकांका गुआ में है। कहाँ पे? एकांका गुआ, इस ज्वालामुखी का नाम है, और ऊपर वाला ओजस डेल सलाडो है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इतनी बातें तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। ज्वालामुखी का और डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो मैं पढ़ाया हूँ पूरा अच्छे से, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कल हम लोग भूकंप के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि यहाँ मेहनत से काम किया जा रहा है, आपके लिए अच्छे अच्छे मटेरियल दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है ना, तो कसम खा लो कि एडवर्टीजमेंट नहीं स्किप करेंगे। नितिन सर का कम से कम इतना ख्याल तो कर ही लो, क्योंकि आप ही के फायदे के लिए मैं आजकल थोड़ा सा वीडियो कम बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। बट उसके बावजूद भी मैं इतनी हिम्मत बनाई लेता हूँ कि यार आप लोग वेट कर रहे होंगे तो कम से कम कुछ तो फ़ायदा आपको मिल ही जाए। तो प्लीज़ दोस्तों कोशिश करिएगा कि एडवर्टीजमेंट को आप दो चार बार देखिए। ठीक है, यार जितने अधिक से अधिक बार देख सकते हैं, अगर आप 5 मिनट भी हमारे लिए निकाल लोगे ना, तो मैंने कहा ना आप बहुत बड़ा काम कर दोगे। तो प्लीज़ दोस्तों हेल्प करिएगा जरूर से। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे देख सकें। थैंक यू सो मच।